बिग बॉस हारने के बाद अंकिता लोखंडे की लॉटरी लग गई है। मुनावर फारूकी भले ही ये सीजन जीत गए हों, लेकिन जीत का असली तोहफा तो अंकिता को मिल गया है। अंकिता को बहुत बड़ी फिल्म मिली है। अंकिता इसी साल 22 मार्च को रिलीज होने वाली रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर स्वराकर में नजर आएंगी। अंकिता ने एक पोस्ट के जरिए बताया है कि बिग बॉस के बाद अब वो बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही हैं। वीर सहवाकार पर बनी ये फिल्म साल की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है, क्योंकि फिल्म को लेकर पहले से ही काफी माहौल बन चुका है। खुद सरकार भी इस फिल्म को प्रमोट कर सकती है। अंकिता ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि इतिहास के अध्यायों से खोए हुए नेता को प्रकाश में लाना, बिग बॉस के ठीक बाद एक नया अध्याय शुरू करना और भी शानदार लगता है। आनंद पंडित और रणदीप हुड्डा के साथ इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए मैं आभारी हूँ। 22 मार्च 2024 को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में देखने से ना चूके। अंकिता अपना करियर चमकाने के लिए ही बिग बॉस में आई थी। अंकिता बॉलीवुड में घुसने का बस रास्ता ढूंढ रही थी। अंकिता बिग बॉस को जीतना भी चाहती थी और इसके लिए उन्होंने शानदार तैयारी भी की थी, इसीलिए वो बिग बॉस के घर में अपने पति विकी जैन को लेकर आई हुई थी। लेकिन फिनाले में लोगों को तब झटका लगा जब अंकिता चौथे नंबर पे ही धार हो गई। ये बात किसी को अब तक हजम नहीं हुई है कि अंकिता मन्नारा चोपड़ा और अभिषेक कुमार से भी पीछे रह गई, क्योंकि अंकिता इन दोनों से काफी बड़ी स्टार है। फिलहाल फिनाले से बाहर निकलते हुए अंकिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू भी नहीं दिया, लेकिन अब अंकिता के दोनों हाथों में ऑफर है। उन्होंने बिग बॉस से लौटते ही अपने फिल्म का ऐलान भी कर दिया है। बिग बॉस से निकलते ही असली तोहफा तो अंकिता लोखंडे को मिला है। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर, अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिए। और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।